हेलो स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो मैं उन बच्चों के लिए रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ जिन्होंने रेगुलर बैच हमारा लिया हुआ है और रेगुलर बैचेस की क्लास ले रहे हैं और अभी सीएस डबल ईटी का एग्जाम पास किया था या सीए फाउंडेशन का एग्जाम पास किया था या सीएमए फाउंडेशन का एग्जाम पास किया था। तो ये अनाउंसमेंट उन सारे स्टूडेंट्स के लिए है जिन्होंने हमारा रेगुलर बैच टैक्सेशन का लिया हुआ है। तो बच्चों का क्वेश्चन था कि सर जो इंट्रोडक्शन का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स पहला ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, तो कौन कौन से टॉपिक हैं जो हमें करने। तो मैं स्टूडेंट बता दूं, यहां पे दो पार्ट के अंदर आपको पता है डिवाइड है। दो पार्ट क्या है, मैंने आपको लेक्चर्स दिए हैं जिसके अंदर मैंने आपको चैप्टर 1 की थ्योरी प्रोवाइड करवाई है और जो प्रैक्टिकल, अगर जो मैं बात करूं कि प्रैक्टिकल की, तो प्रैक्टिकल स्टूडेंट मैंने सारा का सारा यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है आपके लिए, ठीक है ना। तो एक तरफ मैंने थ्योरी भी आपको भेज दी अलग से आपकी ईमेल आईडी पे या जिस पे भी आपको ऐप पे दी है या किसी भी मोड पे मैंने प्रोवाइड करवाई है या गूगल ड्राइव के थ्रू, तो थ्योरी मैं आपको प्रोवाइड करवा चुका हूं और प्रैक्टिकल मैंने यूट्यूब पर डाल दिया। अब मैं थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं, थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो थ्योरी के अंदर स्टूडेंट सबसे पहले सेक्शन 1 आप नोट कर सकते हैं इसके अंदर। तो सेक्शन 1 सभी को पता है इनकम टैक्स का क्या है, उसके बाद सेक्शन 2 क्लॉज 7 एसएससी की डेफिनेशन, तो इसके अंदर कोई भी चेंज नहीं है। आपको जो मैंने थ्योरी की वीडियो दी है वहीं से आपको करना है। उसके बाद प्रीवियस ईयर की डेफिनेशन, उसमें भी कोई चेंज नहीं है, आपको वहीं से करना है। असेसमेंट ईयर, ये सारा मैं थ्योरी के रिगार्डिंग बता रहा हूं, वही थ्योरी आपको पढ़नी है असेसमेंट ईयर की भी, ठीक है जी, कोई चेंज नहीं इसके अंदर। उसके बाद आपने ये एंट्री पढ़ी हुई है, इनकम टैक्स की कंपोनेंट्स आपने पढ़े हुए हैं ये सारे। उसके बाद एक्सेप्शन, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, जिसके अंदर सेक्शन 172, 174, 174 कैपिटल ए, 175, 176, ठीक है ना। तो ये एक्सेप्शन होती है, ये देखो ये लिखी हुई है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 78% वाला ये सेक्शन भी मैंने बता दिया था आपको, और अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो प्रैक्टिकल अप्रोच यूट्यूब के अंदर मैंने डाला हुआ है। उसके बाद ये रेट ऑफ टैक्सेस, जिसके अंदर सेक्शन 115 बीएसी, ये आपको यूट्यूब पर मिलेगा स्टूडेंट, ये आपको यूट्यूब पर मिलेगा। उसके बाद 115 बी ए बी, ये भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा, ठीक है। सरचार्ज, ये भी पूरा प्रैक्टिकल आपको यूट्यूब पर मिलेगा। उसके बाद 87 कैपिटल ए, ये भी आपको यूट्यूब पर मिलेगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आप कर सकते हैं, एसएससी कौन होता है भाई, ठीक है, ये क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं। तो एक बार ये क्वेश्चंस आप लोग करना, कोई डाउट आए तो मुझे बताना। दो ही क्वेश्चन है भाई और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर किसी का शिपिंग बिजनेस है और वो शिपिंग बिजनेस किसका है भाई, नॉन रेजिडेंट का है, तो उस केस के अंदर 7.5% जितनी भी आपकी रिसीप्ट होंगी उसका 7.5% आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो स्टूडेंट इस तरीके से आपका चैप्टर नंबर 1 क्या हो जाएगा, कंप्लीट। तो अब किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। और एक चीज और पहले ही बता दूं स्टूडेंट्स, आप लोग रेगुलर बेसिस पे मुझे व्हाट्सएप करते रहो, क्योंकि कई बच्चों के व्हाट्सएप नंबर मुझसे रिप्लेस हो जाते हैं। तो आप लोग मुझे बस व्हाट्सएप करते रहो कि सर हमारा लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट हो गया, हमने नोट्स बना लिए और सर आगे के चैप्टर्स हमें भेजो, तो फिर मैं आपको आगे के चैप्टर्स कंटिन्यूअसली भेजता रहूंगा, ठीक है जी। तो इस वीडियो पे इतना ही, थैंक यू वेरी मच, ओके बाय, टेक केयर, और पढ़ते रहो स्टूडेंट और मजे लेते रहो, ठीक है जी, पढ़ते रहो मजे लेते रहो।